हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइज। तो आज की वीडियो में मैं पर्लवाइन लीडर का एक ऐसा काला करतूत दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। मतलब आप लोग ये सोचिए कि ये लोग अपने ज्वाइनिंग के लिए क्या से क्या कर दे रहे हैं, मतलब किसी को कुछ भी कर दे रहे हैं। इसकी सच्चाई मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये फोटो ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये फोटो साफ साफ दिख रहा है कि फोटोशॉप किया हुआ है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। हुआ है और बहुत सारे यूट्यूबर का मैं अभी वीडियो देख रहा था तो मैंने देखा कि मतलब इस पर भी लोग वीडियो बना रहे हैं कि मतलब पर्लवाइन में जो है रजनीकांत जुड़ चुके हैं, जबकि ये मेरे हिसाब से सच्चाई नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं वो मेरे को बताइएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर रजनीकांत यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फोटो भी बगल में चिपकाया हुआ है और यहाँ पे मतलब ऐसे लिखा हुआ है। तो ये मतलब देखने ही सही लग रहा है कि फोटोशॉप है, लेकिन इस पिक्चर में चाहे इस वीडियो में कितनी सच्चाई है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये रजनीकांत का आईडी नहीं है। वो कैसे मैं दिखाता हूँ वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि इस टाइप का ये वायरल हो रहा है और लोग इसमें वीडियो भी बना रहे हैं कि रजनीकांत जुड़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले रजनीकांत के बारे में आपको दिखा देता हूँ कि रजनीकांत आखिर हैं कौन, ठीक है। रजनीकांत यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि रजनीकांत का जो ओरिजिनल नेम है ये रजनीकांत का ओरिजिनल नेम नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा अगर अपनी आईडी लगाता है इसमें पर्लवाइन में तो वो ओरिजिनल नाम से लगाता है, क्योंकि इसमें आपको स्विफ्ट कोड बैंक डिटेल वगैरह टोटल देना रहता है तो वो गलत आईडी कभी नहीं लगा सकता, अपना ओरिजिनल ही आईडी लगाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब स्विफ्ट कोड और बैंक डिटेल ये सब देना, वहाँ गलत आईडी क्यों लगाएगा लोग। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि ये रजनीकांत का जो नाम है वो यहीं चूज करके रखते हैं, उनका ओरिजिनल नाम कुछ और होता है। तो आप रजनीकांत का यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवाजी राव गायकवाड़ है, और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं शिवाजी राव गायकवाड़ इनका जन्म हुआ 12 दिसंबर 1950। ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिख सकता है, जबकि फोटो में आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप किया हुआ है और यहाँ पर आपको रजनीकांत ऐसे सिर्फ लिखा हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से सच्चाई नहीं है। और आप इतना से खुद सोचे ना कि लोग ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या मतलब किसी का भी नाम किसी का भी फोटो चिपका कर बोलने लग रहे हैं कि ये ज्वाइन कर लिए। और यहाँ तक आप ये भी सोचते हैं कि कुछ दिन में ये लोग तो मोदी जी को भी बोले हैं कि मोदी जी पर्लवाइन को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब जो है फोटोशॉप किया हुआ है, रजनीकांत ज्वाइन नहीं हुए हैं, मेरे हिसाब से ये झूठ है। लेकिन आप लोगों को इसमें कितनी सच्चाई लगती है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये फेक है। ऐसे मतलब एक चाल बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग के लिए ये सब लोगों को वीडियो बना के दिखाया जा रहा है कि रजनीकांत भी ज्वाइन हुए ताकि लोग ज्वाइन हो जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसका माजरा क्या है, इसके पीछे क्या कारण। अगर सच्चाई है तो वो भी बताइए, और मेरे हिसाब से तो झूठी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं वो जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, छोटा सा वीडियो सिर्फ अपडेट के लिए था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।